कंप्लीटली अनोनिमस रखना चाहती हूँ। आपके जो सवाल होंगे मैं एज एन अनोनिमस आंसर करूँ। तीन लोग अभी तक तीनों की बॉडी प्राप्त हुई है ऑफिशियल के अकॉर्डिंग, आप क्या मानते हैं, क्या कारण रहा होगा, इसको क्यों मानते हैं आप? मैं जिम्मेदार, पहली बात तो प्राइमरी जिम्मेदार तो हमारी जो एमसीडी है, जो जिनकी देखरेख में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए थी वो है। सेकंड, हम मेरे हिसाब से जो अक्यूज होने चाहिए वो हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो उनके डायरेक्टर होने चाहिए, बिकॉज उनके नेतृत्व में ही जो बिल्डिंग है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रॉपर ध्यान नहीं जाया गया है, उसके वजह से आई थिंक द मेन कल्प्रिट हियर इज द एमसीडी एंड द डायरेक्टर हु नेग्लेक्टेड द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। ये कोई आई वुड से कि पहली बार हुआ, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो आउट ऑफ द ब्लू हो गया और हम सब लोगों को मक्खियों ने काटा और हम सब रोड पे इकट्ठे हो गए। ये रीअकरिंग एक सिचुएशन है। दूसरा ये है कि एमसीडी हमारा रिपीटेड ऑफेंडर है। यहाँ पे सारे बेसमेंट में वॉशरूम चौक होता है, यानी सीवेज जो है वो बैक मारता है। सीवेज बैक मारने का मतलब है जितना भी सीवेज है वो बेसमेंट के वॉशरूम से बाहर आता है, यानी जो बच्चा अंदर है वो अंदर के पानी से भी फंस गया और बाहर से भी वो पानी से फंस गया। एक मिनट, हम लोग जिन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं वो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं। यहाँ के डायरेक्टर्स और फैकल्टीज क्लेम करते हैं कि ये लोग पॉलिसी मेकर्स हैं और ये लोग जो है गवर्नेंस वगैरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें एक्सपर्टीज रखते हैं। तो क्या इन लोगों को नहीं पता था कि किस तरीके से ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर्स कैन अकर? क्या इनको ये नहीं पता था कि बिल्डिंग्स में फायर एग्जिट होना जरूरी है, फ्लड एग्जिट होना जरूरी है? आप लाखों की तादाद से बच्चों को यहाँ पर बुलाते हैं, उनसे फीस इकट्ठी करते हैं, उनके माँ बाप को झूठे आश्वासन देते हैं कि आपका बच्चा हमारे देखरेख में सुरक्षित रहेगा और वो उसको करने, ये अपनी जो छोटी सी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी जो बनती है, जो माँ बाप फी पे करके एक चीज एक्सपेक्ट करता है फैकल्टी से और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट और कोई चीज एक्सपेक्ट करता है कि हमारा बच्चा सुरक्षित रहे। यहाँ पे उनकी जान के साथ जानबूझ के खेला गया है, क्योंकि तीन दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ है वो इंसिडेंट वॉज इनफ टू ओपन द आईज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। एवरी वन केप्ट मम ओवर इट। लास्ट ईयर मुखर्जी नगर में फायर, आप लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या डिमांड है आपकी, खासकर दिल्ली गवर्नमेंट एक्टिव हुई है? सुनिए हमारी बात, आपका सवाल मैं सॉरी बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगी। आपको यहाँ पर समझने की ये जरूरत है कि हम यहाँ पे एस्पिरेंट्स हैं और हम कोई भी पॉलिटिकल मुद्दे एंडोर्स करने यहाँ पर नहीं आए हैं। तो यहाँ पर हमारे जो दोस्त हैं उनकी जाने गई है, तो यहाँ पे ये बहुत ही एक सेंसिटिव इशू है। यहाँ पे इसको हमको पॉलिटिसाइज नहीं करना है। यहाँ पे हम मीडिया से, हम पुलिस से, हर किसी से इस इशू पे सेंसिटाइज जो है एक बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि हमें अभी तक नजर नहीं आया है। प्रशासन चुप है, जो राव सड़ी सर्कल का डायरेक्टर है वो चुप है, और तो और उनकी सारी फ्रेटर्निटी चुप है, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ओल्ड राजेंद्र नगर का वो चुप है, बिजली विभाग चुप है, पानी विभाग चुप है, हर जगह से चुपी है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस ट्वीट कर रहे हैं और पॉलिटिशियंस आ रहे हैं। दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द कॉमन सिटीजन। हम उससे ज्यादा इस इशू के ऊपर पॉलिटिसाइज कॉमेंट्स पास नहीं करना चाहते हैं। जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारी डिमांड्स है, दे आर रेस्ट्रिक्टेड एंड लिमिटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन, एंड वी वांट द कल्प्रिट हु इज मिस्टर वेद गुप्ता टू कम हियर, क्योंकि उनका यहाँ पे ना होना सिर्फ और सिर्फ ये चीज नहीं दिखाता है कि वो कितने चैन से इस इशू के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, वरना अभी तक उनकी नींदें उड़ जानी चाहिए थी। यहाँ पे लाइनों से, तादार से यहाँ पे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स को प्रेजेंट होना चाहिए था। अब आप ये देखिए, हम सफर कर रहे हैं, बैठूंगी, मेरे माँ बाप ने मुझे कैसे यहाँ भेजा है वो उन्हें पता है, और उनका बच्चा घर पे रिजल्ट छोड़ो घर पे वापस जिंदा ना जा पाए, इससे बड़ी शर्म की क्या बात है। ये एक फैक्ट्री है, इंक्यूबेशन फैक्ट्री है यूपीएससी की, और हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी का यहाँ पे कोई ध्यान नहीं रखा गया है। इट इज अ वेरी वेरी शेमलेस थिंग। आई एम We want the people from the government to show up and take the responsibility. Secretary को लेटर लिखा है कि 24 घंटे में इसको इन्वेस्टिगेट करें और आप 24 घंटा पता है आपको कितना होता है? उस 24 घंटे में 24
1000 से ज्यादा पैनिक अटैक्स उसके उन बच्चों के पेरेंट्स को आ रहे होंगे, जो यहाँ पे दोस्त सगे संबंधी फ्लैटमेट्स रूममेट्स जो है जिनके रूममेट्स वापस नहीं आए हैं, उनके फोन कॉल्स नहीं लग रहे हैं, वो लोग जो स्लीपलेस नाइट्स के थ्रू जो जा रहे हैं, डू यू रियली थिंक 24 आवर्स इज जस्टिफाइड फॉर देम? यहाँ पे फॉरगेट अबाउट द रिपोर्ट, यहाँ पे हमको ऑफिशियल्स जो यहाँ पे पुलिस जो खड़ा है, हमारे जो आईएएस जो आए थे, हमारे आईपीएस जो यहाँ आए थे, वो हमको प्रॉपर बॉडी काउंट्स नहीं दे रहे हैं। इट हैज एवरी डिमांड है हमारी सर, 7 बजे से डेड टोल ले रहा है। मैंने पुलिस किया है और दो लोगों को इसमें हमने डिटेन किया है, पूछताछ कर रहे हैं। आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है? नहीं, मैं यहां पे डिजास्टर वालों के साथ खुद खड़ा था। मैं बता रहा हूं सर, मैं यहां पे खुद डिजास्टर वालों के साथ खड़ा था। उन्होंने मेरे से कहा हम इसलिए सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि अगर हम लोग देखें तो जिस हिसाब से इंसिडेंट हुआ है, जितने बच्चे अंदर थे और जिस फोर्स से पानी अंदर गया होगा, और 12 फीट का पानी है और पिछले 8 घंटे से पानी बाहर नहीं आया है, डू यू रियली थिंक 3 बॉडी काउंट्स इज एक्चुअली एन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन? 3 बॉडी काउंट्स इज अ मॉकरी अगेन। प्रशासन क्या कर रहा है? क्यों हमको शांत करने के लिए, ताकि कल को हम ये ना बोले कि दिस इज लिटरली आई वुड से इट्स अ मास ट्रेजेडी। यहाँ पे 3 या 4 लोगों नहीं, यहाँ पे 20 से ज्यादा लोगों की लाइफ को थ्रेट पहुंचा है। और मुझे तो लग रहा है कि बहुत सारे लोग मिसिंग है, ये भी झूठ है। दीज नंबर्स आर लिटरली टेम्पर्ड विद। इन लोगों के पास कोई सही वैलिड हमारे पास रिपोर्ट इन्होंने नहीं दी। एमसीडी की आपदा सर, मेरा नाम वैभव सिंह है, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। जी हाँ, मैं जस्ट पीछे रहता हूँ उस बिल्डिंग की। जी हाँ सर, एमसीडी ने कहा है कि ये आपदा है सर। मैं मानूंगा ये पूरी तरह से लापरवाही है सर। मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ, आधा घंटा बारिश होने पर सर घुटनों तक पानी आ जाता है, और ये सर 2 सालों से लगातार हो रहा है सर। आपदा वो होती है जो कभी कभार होती है, एक बार होती है सर। हम 2 साल से देख रहे हैं ये लगातार हो रहा है। दूसरी बात सर, मैंने अपने मकान मालिक से बात किया, उन्होंने बताया कि वो 10 से 12 दिन से जाकर काउंसलर से यहाँ बोल रहे थे लगातार कि नालों की सफाई कराई जाए, लेकिन वो नालों की कोई सफाई नहीं करा रहे हैं सर। तो यहाँ पे ये जो हमारे काउंसलर्स हैं, ये उनका भी फेल्योर है। तीसरी बात सर, मैं ये देख रहा हूँ कि हमने पढ़ा है कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, यहाँ पे मैं वो हाल देख रहा हूँ कि पहले इन्होंने लाइट काटा, उसके बाद सर सारी लाशें निकाल दी, उसके बाद यहाँ पे बच्चों को हटाने के लिए वहाँ पे पूरी पुलिस जुट गई और लाठी डंडे लेकर खड़ी है। 300 से ज्यादा लोग आज प्रशासन के खड़े थे सर, 100 से ज्यादा पुलिस वाले खड़े थे, एनडीआरएफ की टीम खड़ी थी, बाकी लोग भी खड़े थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि अगर 10 दिन पहले मानसून जब आने वाला था, ये 300 लोग तब क्यों ना तत्परता दिखाकर खड़े हुए? सर 6 दिन पहले सर पटेल नगर में हमारा एक दोस्त था, मेंस की तैयारी कर रहा था सर, उसका करंट लगने से डेथ हो गया। आज 3 जो डेथ हुई है सर, अभी इनके साथ पेरेंट्स को पता अभी सर, पहली डिमांड है कि जितने भी कल्प्रिट लोग हैं उनके उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उससे पहले सर इमीडिएट डिमांड है कि जितने डेथ काउंट है और सर जितने इंजरीज है वो हमको साफ बताया जाए। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं डिजास्टर के लोगों के साथ यहाँ पे खड़ा था, उन्होंने मुझे बताया, पता नहीं सच बताया झूठ बताया मुझे नहीं पता, उन्होंने यहाँ पे बताया कि अराउंड 8 to 10 कैजुअलिटीज की बात उन्होंने मुझे बताई जो डिजास्टर के लोग थे। सही बताइए गलत बताइए मुझे नहीं पता है सर, बट उन्होंने मुझे ये बताया। तीसरी बात सर, मुझे हमें वीपी गुप्ता चाहिए, और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 95% जो लाइब्रेरीज हैं सर वो सारी की सारी बेसमेंट में ही बनी है। आज तो एक जगह हो गया ये घटना सर, कल हर जगह पे हो सकता है। तो हमें सर वो सारे लोग चाहिए, वो ये सिस्टम बंद होना चाहिए। पैसे ये लोग सर अंधा ले रहे हैं, यहाँ के मकान मालिक हो या लाइब्रेरी वाले हो सर, यहाँ पे एक एक रूम जिसमें दो दो बच्चे रह रहे हैं उसका टोटल रेंट 20,000 है। बिल्कुल एमसीडी की भी गलती है सर, करप्शन वहीं से चालू होता है, फिर उसके बाद से दूसरी गलती यहाँ के कोचिंग वालों की है, क्योंकि करप्शन तो सर वहीं से शुरुआत होता है ना, ध्यान उन्होंने नहीं दिया। सर मेरा नाम लोकेश कुमार पांडे है। पांडे जी आप क्या सर, आप क्या करते हैं? सर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लास्ट 3 ईयर से मैं यहीं पर हूँ। सर जैसा कि मैं बताना चाहूंगा सर कि जैसे यहाँ पे हम देखें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कि 80% लाइब्रेरियां जो है बेसमेंट में है, और हमें यहाँ ये देखने को मिलता है कि जैसे ही अगर बारिश 10 मिनट भी होती है यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। तो आज तक इस पे एमसीडी वर्क नहीं कर रही है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एमसीडी की है। अगर पानी भर जा रहा है, अगर 10 से 15 मिनट में दिल्ली में बाढ़ आ जा रही है, ओआरएन में बाढ़ आ जा रही है, सबसे पॉश एरिया है, हम 2-3 लाख रुपए फीस देके यहाँ पढ़ रहे हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एमसीडी की है।
यही एमसीडी अगर एक टपरी पर से पैसे लेने हो जो लगी हैं उनसे पैसे लेने में बहुत रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आज एक लाइब्रेरी में ऐसा हुआ इंसिडेंट, इसको रेस्क्यू करने में 12 से 15 घंटे लग गए और किसी की लाइफ नहीं बची है, 99% लोग नहीं बचे हैं। जी यस, सर बिल्कुल एक मिनट बोलना चाहिए सर। सबसे पहले सर कि मेरी ये डिमांड है सर कि एमसीडी को फोकसली वर्क करना चाहिए कि अगर यहाँ पानी भर रहा है एक कमेटी सेट होनी चाहिए। 2-3 मेजर रीजन है, पहले कि यहाँ पे सभी नंगे तार घूम रहे हैं सर, नंगे तार घूम रहे हैं, कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। यहाँ डर बना रहता है 10 मिनट के बारिश के बाद कि हम कहाँ उतरे, कहाँ छुए, कहाँ टच करें। जी सर, दूसरा डिमांड सर कि जितनी भी लाइब्रेरियां हैं सबके लिए एक कमेटी हो जिससे वो करें कि हाँ लाइब्रेरी खोलनी चाहिए या सही जगह या नहीं। यस सर, और एक लास्ट और सर कि जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो हम लास्ट यहाँ पे 6 बजे से मैं खड़ा हूँ, ना कोई एमसीडी का बंदा आया ना ही इस इंस्टीट्यूट का, नहीं नहीं वहाँ पे कोई बात करने के लिए नहीं आया है, मतलब स्टूडेंट से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरा नाम अनुराग है सर। सर आई एम ऑल्सो एन यूबीएससी एस्पिरेंट सर। यस सर, यहीं पे रहता हूँ सर। जी सर, सर वी वांट वाटर एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी मार लेना हेयर बिफोर 10 AM इन द मॉर्निंग। मेयर हेयर, वी वांट मेयर हेयर। हमें पता चला सर मेयर यहाँ पर आई थी एंड यहाँ पे वो उस साइड से जाकर वापस चली गई क्योंकि पुलिस ने उनके पास एक बैरिकेड बनाया था। दिस इज द इन्फॉर्मेशन गिवन टू अस बाय द पुलिस सर। एंड ऑफ कैमरा दे हैव टोल्ड अस दैट 8 आर डिक्लेयर्ड डेड। सर मेयर सर वही बात है ना सर, वी आर हेयर फॉर द क्वेश्चन सर, वी वॉन्ट आर आंसर सर, एंड हेयर इज नो वन टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉट इज हैपेंड इन देयर। सर ये सरकार हर बार जब कोई त्रासदी होती है उस पर एक SIT बन जाती है और उसके बाद वो जांच होती ही रहती है सर। देयर इज नो वन सर, देयर नो वन इज भाई सर, एक सेकेंड सर, देयर इज नो वन टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी हियर। वी वांट समवन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू कम हियर एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पीपल, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स हियर। और यहाँ पर सर वो एक ट्वीट करने से, एक लेटर लिखने से अपने इसी कमरे में बैठ के सर क्या भविष्य लोगों का यहाँ पे सुधार रहे हैं सर। यहाँ पे वोट मांगने आते हैं तो घर तक आते हैं सर, सर वोट मांगने आते हैं तो घर तक आते हैं और जब कोई त्रासदी होती है तो अपने घर में बैठ के लेटर लिखते हैं सर। हाउ इज इट जस्टिफाइड सर? पहली बात श्रुति श्रेया, मैं 1 साल से यहाँ पे UPSC का प्रेप कर रही हूँ, मैं विजन IAS में पढ़ती हूँ, ठीक है। पहला डिमांड हमें इस राहुल IAS के डायरेक्टर जो भी है VP गुप्ता, वो हमें चाहिए, कल सुबह तक चाहिए। दूसरी चीज, हमें MCD के डायरेक्टर चाहिए यहाँ पे। तीसरी चीज, 24 घंटा नहीं, अगर कल को किसी भी पुलिस वाले का या किसी भी पॉलिटिकल जो भी है उनके बच्चे के साथ ऐसा होता ना तो अभी बवाल हो चुका होता, अभी के अभी सारा पुलिस आ जाता, तुरंत सुप्रीम कोर्ट खुल जाता, हर कुछ तुरंत हो जाता, हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद मैं आगे बताती हूँ, ये कोचिंग वाले हमसे 2-2 लाख रुपए लेते हैं, किस बात की ले रहे हैं ये 2-2 लाख रुपए? और सिर्फ ये नहीं, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडरग्राउंड है, एक वॉशरूम है वो भी इतना घटिया सैनिटेशन है उसका, एक डोर है थम से वो खुलता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाएगा वो खुलेगा नहीं, सारे अंदर फंस जाएंगे, कौन जिम्मेदारी देगा? यहाँ बच्चे कुछ गलत नहीं कर रहे थे राहुल IAS में बैठ के, अगर सुबह उनके पेरेंट्स पूछेंगे क्या हुआ, उनको क्या जवाब देंगे कि आपके बच्चों के पढ़ते पढ़ते मौत हो गई? वाओ, व्हाट एन आंसर! पढ़ते पढ़ते किसका मौत होता है? सर नो वन इज लेट। सर मेरी एक ही डिमांड, मेरा नाम दिव्यांशु सिंह यादव है, मैं यही LIG फ्लैट करोलबाग में रहता हूँ, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और मैं इसी राउस IAS स्टडी सर्कल में पढ़ता हूँ। मेरी डिमांड है कि यहाँ के जितनी भी लाइब्रेरियां हैं वो लोग करीब 2500 से 3000 से ऊपर ही रुपया लेते हैं, तो वो लोग सारी मानक के अनुरूप लाइब्रेरियां हों। और ये जो राउस IAS है इस पर मैंने 1,75,500 रुपये फीस दी है, और ऐसी बिल्डिंग में जिसमें 3 लोगों की मौत हो जाए और 4 घंटे बाद उनकी डेड बॉडीज ना निकाल पाए, उसमें मुझे अपना पूरा पैसा वापस चाहिए और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होकर मेरा पूरा पैसा ये लोग वापस करें, मुझे इस बिल्डिंग में नहीं पड़ना।
दो लोगों को डिटेन किया है, डीसीपी हर्षवर्धन सर ने यहाँ पे बताया है, लेकिन किसको डिटेन किया है ये कोई नहीं पता है। अब वो लाइब्रेरी के गार्ड को कर लिया है या किसको कर लिया है, मेरी डिमांड है कि यहाँ के डायरेक्टर जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, मेन पर्सन जिसके पास इस कोचिंग का पैसा जाता है, जो 1,75,500 हम लोग देते हैं, उनको डिटेन करना चाहिए और 24 घंटे के अंदर करना चाहिए। सुबह में और मैं यहाँ पे 2 महीने से रह रहा हूँ। मेरा मेन मेरा प्रोटेस्ट से ज्यादा मेरा कंसर्न जो है कि दो बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो एक पेरेंट्स की भी गलती मानूंगा जो अपने बच्चों को इस जैसे स्लम में भेज रहे हैं। ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि हम बच्चों की भी गलती, हम ऐसी जगह जाके बैठ रहे हैं उसको हम समझ नहीं पा रहे कि हम यहाँ पे बैठने के काबिल है या फिर कैसी जगह है। आप अपने घर में कभी बेसमेंट बैठते नहीं? बैठते यहाँ पे आप क्यों बैठ रहे हैं? दिल्ली है, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। आप ये सब कहने के बाद ही चोचलेबाजी, कोचिंग जितने यहाँ इंस्टीट्यूट है वो बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं, दैट्स इट। और एक तो दूसरी गलती तो आप जो भी सरकार की जो वो तो है ही है, बट बच्चों और माता पिता की इतनी गलती जो अपने बच्चों को यहाँ पे भेज रहे पढ़ने के लिए, मेरा तो यही कंसर्न है। मेरा कंसर्न ये है कि सर अगर आप ये बिल्डिंग देखोगे, ये जो तीनों नई बिल्डिंग है ये 1 साल पहले बने हैं। अगर ये 1 साल पहले बने हैं तो इतने लापरवाही से कैसे बने? क्योंकि दिल्ली में आज पहली बार नहीं है कि इतना भारी बारिश आता है, ये 10-20-30 साल से हो रहा है। अगर ये 30 साल से हो रहा है तो मैं ये MCD पे सवाल उठाना चाहता हूँ कि उन्होंने इनका परमिशन कैसे दे दिया इतना बनाने का बेसमेंट। और अगर राउस आईएएस बना रहे हैं या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बना रहे हैं तो वो ये चीज देख नहीं पा रहे कि बच्चे हैं वहां बारिश के टाइम पे अगर भर जाएगा। ये तो हो गया मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट से। दूसरा चीज है मेरा प्रशासन से, 8 घंटे से ज्यादा 12 घंटे से ज्यादा हो रहा है, ये सिर्फ बच्चों को टाल रहे हैं कि आप मंडे को आइए, आप ट्यूजडे को आइए। ये हमको सिर्फ 3 बच्चे बोले हैं कि अभी तक सिर्फ 3 बच्चे लोग का देहांत हुआ है, जबकि ये लाइब्रेरी में एनी टाइम पीक टाइम या आप लो टाइम पे भी बोलो 30-40 बच्चे पढ़े रहते हैं, क्योंकि अभी मेंस का भी टाइम है तो बच्चे वहां टेस्ट सीरीज देते हैं। ये सिर्फ 3 बच्चे बोल रहे हैं, ये अब आगे पता चलेगा। अगर 4 बच्चे आ रहे तो क्या पुलिस ऑफिसर अपना इस्तीफा देंगे गलत जवाब देने के लिए? क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड वो बोले हैं। मैं बोलता हूं कि कोई अलग ऑफिसर नहीं आया है, ऑफिसर वो है जिनको कोई अथॉरिटी लेने का है ही नहीं, वो बस टाल रहे हैं कि आप सुबह आइए कल आइए। अगर उनके पास अथॉरिटी नहीं है तो हम उनसे बात नहीं करेंगे। सर मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर कोचिंग माफियाओं के धंधे ने आज 3 मासूमों की जान ले ली, ये तो लीगल फैक्ट है। अभी इलीगल फैक्ट आना पता नहीं क्या है। दूसरी चीज ये है कि ये बेसमेंट के भी नीचे B2 में जो है लाइब्रेरी को संचालित किया जा रहा था, इसमें 3 लोग जिम्मेदार हैं। सबसे पहले तो ऑनर वेद गुप्ता, इसको तुरंत पकड़ो और इसको फांसी की सजा दो। दूसरा इसमें जिम्मेदार है दिल्ली सरकार और उसकी मंत्री आतिशी मंदेला। और तीसरा इसमें जिम्मेदार है MCD, क्योंकि MCD ने जो परमिशन दी थी वो बेसमेंट प्लस 4 की दी थी, बट बेसमेंट के नीचे भी एक बेसमेंट बनी थी। 4 दिन पहले आपने देखा पटेल नगर में एक बच्चा नीलेश, वो पानी के गड्ढे से बचने के लिए लोहे के गेट को पकड़ता और उसमें करंट था। क्या दिल्ली में ये UPSC के जो जवान बच्चे हैं इनकी मौत की कोई कीमत नहीं है? कब तक ये यूं ही मरते रहेंगे? कब तक ये यूं ही अपनी जान देते रहेंगे? आतिशी जी आप कहां पे हैं? दुर्गेश पाठक आप कहां पे हैं? स्थानीय प्रशासन बार बार आपको लिख रहा था कि यहां पानी भरता है, लोगों को तकलीफ होती है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इनके साथ खड़ा हुआ हूं और मेरा प्रशासन से यही अनुरोध है कि कोचिंग माफियाओं को बंद कराया जाए। MCD के जो कर्मचारी पैसा लेके ये 4-4 फ्लोर बनवा रहे हैं, इलीगल कोचिंग चलवा रहे हैं, बेसमेंट में 2 एग्जिट होने चाहिए, सिंगल एग्जिट था, 30 बच्चे अंदर थे। बस मैं यही कहूंगा मीडिया के माध्यम से कि इन बच्चों के साथ हम खड़े हैं, पर इनके साथ न्याय हो, एक एक जिंदगी की कीमत है। और आतिशी जी आप इस्तीफा दीजिए।